हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बच्चों आपने अपने नीट एग्जाम की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दी होगी। तो बच्चे, जो भी बच्चे नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस। तो जिस भी बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना है, उसको पता होना चाहिए कि इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो और आप वहाँ से MBBS कर रहे हो। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो पहले जो 5 नंबर पे कॉलेज आता है, जिसको 5 रैंक हमने दिया है, वो कॉलेज कौन सा है? तो 5 नंबर पे जो कॉलेज को रखा गया है वो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज में एडमिशन थोड़े समय पहले जिपमर के थ्रू होता था। जिपमर एक एग्जाम था, उसके थ्रू इसमें एडमिशन मिलता था। बट अभी जिपमर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब इस कॉलेज में जो एडमिशन आपको मिलेगा MBBS में, वो नीट एग्जाम को क्रैक करने पे मिलेगा। तो नीट एग्जाम के थ्रू ही आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब बच्चों बात आती है कि कहां पर ये कॉलेज है, तो पांडिचेरी में ये कॉलेज है, ठीक है। और अगर बात करूं कि कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो ये कॉलेज 1956 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। फी कितनी है इसकी, तो इसकी जो टोटल फी है आपकी वो है 34,290 रुपीज। एंड अगर बात करूं मैं टोटल MBBS सीट्स कितनी है इस कॉलेज में, तो वो है 200 सीट्स है MBBS के इस कॉलेज में। बात करते हैं कि लास्ट ईयर 2020 पे कितनी रैंक पर क्लोज हो गया था। बच्चे जी, मैं ये रैंक बता रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी बता रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर जब ये क्लोजिंग हुई थी इसकी, तो 150 रैंक पर जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो 150 पर ये क्लोज हो गया था। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जिस कॉलेज को हमने रखा है, वो कॉलेज है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं VMMC। बच्चों, ये जो कॉलेज है ये दिल्ली में है। और अगर इस कॉलेज में मैं बात करूं आपसे कि इस कॉलेज को एस्टैब्लिश्ड कब किया था, तो 2001 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और इसकी जो फी है वो फी है 1.62 लाख रुपीज। एंड अगर मैं बात करूं इसमें टोटल MBBS सीट्स कितनी है, तो MBBS सीट्स है इसमें 170, ठीक है, 170 सीट्स इसकी MBBS की। अगर बात करें कि लास्ट ईयर कितनी रैंक पे क्लोज हो गया था, तो एक बार और मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, 130 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कि रैंक थ्री पर कौन सा कॉलेज है, बच्चों रैंक थ्री पर जिस कॉलेज को रखा है, ये सब सर्वर इंडिया टूडे की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो थ्री नंबर पे जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जिसको हम MAMC भी बोलते हैं, ये कॉलेज कहाँ पर है बच्चों? आपको पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है कि कॉलेज कैसा है, कैसे बिल्डिंग्स है, कैसा कैंपस है, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है ये दिल्ली में है। अगेन, ये कॉलेज भी दिल्ली में है। बात आती है कि एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था इस कॉलेज को, तो इस कॉलेज को एस्टैब्लिश्ड किया गया था 1959 में, ओके। बात आती है कि इसमें फी कितनी है, तो इसकी जो फी है वो 11,000 है। 11,000 इसकी आपकी टोटल फी रहेगी। देन टोटल MBBS सीट्स कितनी है इसकी, 250। इसमें जो सीट्स है MBBS की वो है 250 मौलाना आज़ाद कॉलेज में। एंड लास्ट ईयर कितनी रैंक पर क्लोज हो गया था, लास्ट ईयर 95 पर ये क्लोज हो गया था। लास्ट इसकी क्लोजिंग रही थी, क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 95। देन अगर मैं बात करूं रैंक सेकंड पर कौन सा कॉलेज है बच्चों, रैंक सेकंड पर जो कॉलेज है वो है हमारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, CMC जिसको हम बोलते हैं। ये कॉलेज कहां पर है, ये कॉलेज है वेलूर तमिलनाडु में। ये कॉलेज है वेलूर तमिलनाडु में। और अगर मैं बात करूं कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो बच्चों इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में। और अगर मैं इसकी फी की बात करूं आपसे, तो इसकी जो फी है वो है 2.2 लाख रुपीज। एंड बात करते हैं कि MBBS सीट्स कितनी है इसमें, तो MBBS सीट्स है 100, ओके। एंड बात करें कि लास्ट ईयर कितने पे क्लोज हो गया था, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक कितने पे क्लोज हो गया था, 63 पर, ठीक है बच्चा लोग। अब अगर आपको बात करें कि फर्स्ट रैंक पर कौन है, आप लोग गेस कर सकते हैं यार कि कौन सा कॉलेज है फर्स्ट नंबर पे।
प्लीज हर किसी बच्चे का जिसने मेडिकल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, नीट एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, वो सब बच्चे जानते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज है, क्योंकि उन सबका ड्रीम कॉलेज है। तो यार सब बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि यार कौन सा कॉलेज फर्स्ट रैंक पे होने वाला है। ठीक है, तो जो कॉलेज फर्स्ट रैंक पर है, आई होप आप लोगों का यही सपना है, मैं जानती हूँ यही जो भी बच्चा नीट की तैयारी शुरू कर दिया अभी से करना उसको यही जाना है। तो कौन सा कॉलेज है ये जो फर्स्ट रैंक पर है? वो कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स दिल्ली। दिल्ली का जो एम्स कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको फर्स्ट रैंक पर रखा गया है। और ये इसमें अगर मैं बात करूं कि एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1952 में। बात करते हैं आगे फी कितनी है इसकी। इसकी फी है 7,326 रुपीस, एंड इसके बाद टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है 107। टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है 107। अगेन मैं आपको जो रैंक बता रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी बता रही हूँ कि लास्ट ईयर कितने पे क्लोज हो गया था, 51 पर। 51 पर। तो बच्चों एक चीज तो साफ है यार, अगर आपको इस कॉलेज में जाना है ना, तो टारगेट क्या बना के रखना है कि फुल ऑन फुल मार्क्स। अगर आप वो वाला टारगेट बना के चलोगे तब आपको ये कॉलेज कहीं से मिल पाएगा। 720 में से 720 नंबर ही आपको लाने पड़ेंगे, वो टारगेट बनाना पड़ेगा, वो टारगेट सेट करके तैयारी करनी पड़ेगी, उसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा सब कुछ कि टारगेट क्या हो, फुल ऑन फुल मार्क्स, तब जाके आपको ये कॉलेज कहीं से मिल पाएगा। तो बच्चों अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए आपको अच्छे कोर्स की ज़रूरत है, और अभी से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जो बच्चे अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो वो बच्चे तो पहले ही आगे हो जाएंगे। तो 2 महीने आपके पास बचे हैं अभी, आप अपना जो आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दोगे उसके लिए आपके लिए ATP स्टार लेके आया है कोर्स अर्ली चैम्पियन। तो बच्चे ये जो आपके 2 मंथ्स अभी बचे हैं, इन 2 मंथ्स में हम आपको जो भी आपके नीट एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट से उनका बेसिक सारा कवर करा देंगे। ठीक है, तो आपके सारे कंसेप्ट आप जैसे ही 11th में जाओगे उसी से पहले क्लियर हो जाएंगे। तो अर्ली चैंपियन में आप एडमिशन ले सकते हो, एनरोल कर सकते हो, उससे आप अभी से ही अपने नीट एग्जाम्स की जो भी बेसिक्स चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कर लो यार बच्चों, और उसके बाद क्या करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच।